चुनाव प्रचार का जरिया बनेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर मुंगेली से है जहां पर रचा जोगी के ज्वाति मामले पर फैसले को लेकर आज का दिन अहम हो सकता है। आपको बता दें कि मुंगेली जिला जाति सत्यापन समिति ने 12 अक्टूबर दोपहर 12 बजे तक ऋषा जोगी को जवाब देने और दस्तावेज पेश करने की मोहलत दी थी। इस दौरान पहले ऋषा ने ईमेल के जरिए, फिर देर शाम उनके भाई ऋषभ साधु ऋषा की ओर से समिति के समक्ष पेश हुए। इस दौरान उन्होंने समिति से मूल दस्तावेज पेश करने का समय बढ़ाने की मांग की है। ऋषा जोगी ने जवाब में कहा है कि बिलासपुर के रजिस्ट्रार कार्यालय कोरोना संक्रमण के चलते सील है और इसलिए दस्तावेज निकलवाने में समय लग रहा है। इधर इस पूरे प्रकरण पर समिति ने आज शाम 5 बजे तक फैसला सुरक्षित रख लिया है। समिति के अध्यक्ष और अतिरिक्त कलेक्टर राजेश नशीने का कहना है कि आज देर शाम तक समीक्षा के बाद यह फैसला लिया जाएगा कि ऋषा जोगी को जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय दिया जाएगा या नहीं। इधर इस मामले के एक शिकायतकर्ता सुरेश खुसरो ने जिला प्रशासन पर कार्रवाई में लिटल तीफी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि त्वरित कार्रवाई नहीं होने के चलते आदिवासी समाज में नाराजगी देखी जा रही है। जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने के लिए बनाया गया है। साथ में हमने ये कहे हैं कि जो जाति जिस वर्ग से बनाया गया है उसके खिलाफ में उचित कार्रवाई किया जाए, ऐसा मांग है हमारा। लगातार पीएससी की तारीख बढ़ रही है जिससे हमारी समाज बहुत ही उपेक्षित है और समाज एक दिन अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन पर उतावला हो जाएंगे। बात गोंडा की होगी जहां पर